गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज है इंटरनेशनल योगा डे। हमारा पार्क जाने का प्लान था बट वो कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। बारिश पहले तेज थी लेकिन अब हल्की हो गई है, तो आज हम घर में ही करेंगे योगा। सो गाइज, यहाँ पे मेरी ग्रीन टी रेडी हो चुकी है और फटाफट से बना के लाई हूँ अपनी ग्रीन टी। कैटल में गर्म किया पानी और उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने ग्रीन टी का पाउच और आई हूँ अब इसको करेगी शेक। तो स्टार्ट आई हूँ। वाओ, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। टेम्पटिंग लग रही है ना बहुत मम्मा, बहुत। गाइज एक बात बताओ, वैसे इसको पीना है बहुत मुश्किल। आप भी जरूर ट्राई करिएगा ग्रीन टी। मुंह के एक्सप्रेशन से आपको पता लग ही रहा होगा इसका क्या टेस्ट है। लेकिन जिस चीज की आदत डालो उस चीज की आदत पड़ी जाती है, तो इसलिए हमेशा बॉडी का भी फिटनेस का ध्यान रखना, केयर करना बनता है। क्योंकि एक हमारा बॉडी हमको हर चीज़ को करना बताती है, इसी से हम हर काम को कर सकते हैं। जब हम बॉडी फिट होगी और निरोगी शरीर होगा तभी सब कुछ चीज़ें सही रहेंगी। सो गाइज, मैं कुछ टाइम के लिए कोर्ट चली गई थी, कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो अभी कोर्ट से लौटी हूँ और कुछ मार्केट का भी काम था, कुछ सामान लेके आना था। मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी, तो उससे पहले मेरा कोर्ट का कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। आज एक और बात, योगा दिवस तो है ही आज, उसके साथ साथ एक और बात भी है कि मेरा जो बेटा है आरव, उसका आज कायदा, मैं जिसको प्यार में डुग्गू कहती हूँ, तो उसका आज कायदा जो कि कुरान पाक हमारे में पढ़ा जाता है, तो उससे उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कायदा पढ़ते हैं। तो कायदा इज़ द फर्स्ट स्टेयर ऑफ कुरान पाक। तो क्या कहते हैं इस, वो उसका आज कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसने कहा कि मम्मा हम दुआ करवाएंगे, तो हाफिज जी उसके लिए दुआ करेंगे। और डुगू ने कहा कि मम्मा मेरे मनपसंद का खाना ही बनेगा, तो इसलिए मैंने आज डुगू के मनपसंद का खाना बनाना है। तो उसकी कुछ तैयारी करने के लिए कुछ सामान लेना था मार्केट से, तो मैं मार्केट से सामान लेती हुई आई हूँ। शाम के बज चुके हैं 3:30, मतलब 4 ही बजने वाले हैं। और हमने उसके साथ साथ मम्मी को फोन भी करा है, डुगू कह रहा था कि नानी को बुला लो। वैसे तो ये सारी चीजें जब कुरान पाक कंप्लीट हो जाता है जब करते हैं, लेकिन डुगू का मन था तो डुगू के लिए मैंने सबको इनवाइट करा है, मम्मी हर को। और हाफिज जी ने कहा था कि दुआ करवा लेंगे, तो मैंने अपने फादर के लिए भी कुछ कलमे, कुछ नहीं मतलब कलमे जकीरा बनाती हूँ मैं अपने फादर के लिए, तो उनके लिए वो कलमे भी बख्शवा दूंगी। तो आज हमारे घर पे दुआ होगी, तो अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाए। और मैंने 3 बार कायदा पूरा कर रखा है इसलिए, लेकिन वो 3 बार गलत पढ़ाया था मुझे। और हाँ, डुगू इससे पहले 3 बार भी कायदा कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि पहले जो इससे पहले जो हाफिज जी लगाए थे हमने, वो छुट्टियां बहुत करते थे, तो कहीं ना कहीं डुगू का कायदा मतलब वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब पूरा मुकम्मल हो चुका है और डुगू जल्द ही कुरान पाक भी पढ़ने लग जाएगा, तो इस बात की भी मुझे बेहद खुशी है। गाइज, सो गाइज, मम्मा की यहाँ पे चल रही है चाय मस्त, और दीदी और मम्मा ने मिलके पूरा ये पूरा बेड बिल्कुल अच्छे से कर दिया, और मैंने तो सब फैला दिया। और वापस से मम्मा का कॉल आ गया, ये देखो। सो अस्सलाम वालेकुम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हो मम्मी? कैसे हो भाभी आप? आपका भाई शाम को मैं तो गाइस डुगू ने इनवाइट किया है सबको, और ये रहा हमारा प्यारा सा फहर। हाय फहर। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? फिर से मैंगो खाने लग गए आप? फिर सब लोग चले जाओ घर पे।
अभी आए वो तो देर नहीं हुई, चले भी जाए हैं। आरिज हाय बेबी, से हेलो, से हेलो टू ऑल। आरिज 3 दिन से लगातार आ रहा है मेरे व्लॉग में। गाइस मैंने मम्मी हर को इनवाइट किया था तो सभी आ चुके हैं और हाफिज जी बोल रहे थे कि वो 9:30 तक आ जाएंगे क्योंकि चाइना भाभी आई थी तो इसकी वजह से मम्मी थोड़ा लेट हो गई आने में। तो फिर उसके बाद रूही और नीलू मार्केट गए हुए थे तो ये अभी अभी आए हैं। अब हाफिज जी आने वाले हैं, फिर दुआ हो जाएगी। तो डुकू की फरमाइश मैंने पूरी कर दी है क्योंकि डुकू चाहता था कि सभी लोग आए और फिर उसके सबके साथ दुआ हो। और हाफिज भी साहब भी कह रहे थे कि आप बुला लीजिए। मम्मी आपको खाना कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखा गया मम्मा को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। सो गाइस सबकी हो रही है जाने की तैयारी, सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जाने के लिए। चले जाएंगे तो घर बड़ा सूना हो जाएगा और मम्मी तो बाहर निकल भी चुकी हैं। लगता है सबसे पहले जल्दी मम्मी को ही हो रही है। आई नो तुम क्यों जा रहे हो भाई गाड़ी में? आइसक्रीम, आइसक्रीम मेरे को कौन लेके जाएगा? तुम भी आ जाओ। गेट खुले पड़े हैं, मामा के संग बैठ जा। नहीं जा मेरे पास ना। अच्छा जा मम्मी, ये सोल छोड़ के जाएगा। चलो गाइस इनको सी ऑफ करने के लिए आए थे और खुद ही गाड़ी में इनके साथ आ गई हूँ। डुब्बू आई जिद करने लग गए कि हमें आइसक्रीम खानी है तो उसकी मौसी बोल रही है तुमको आइसक्रीम खिला के फिर छोड़ के जाऊंगी। तो ये बच्चे ना बड़े शरारती हैं। बाय चीची, आई नो थ्रो, बाय भाभी, बाय नीलू, बाय मम्मी, बाय मम्मी, बाय मासी, एवरीबॉडी बाय। Thanks for watching. Please subscribe.